Imagine a world without electricity. Today, we use smartphones, laptops, refrigerators, air conditioners, various medical equipments, and whatnot. Can you tell me what is common in all these things? Yes, electricity. They all need electricity as a source of energy to keep them working. Electricity has been around for eternity, but not until the time it fails do we know what it really was. In the history of electricity, no single defining moment exists. The way we produce, distribute, install and use electricity and the devices it powers is the culmination of nearly 300 years of research and development. Hey guys, this is Kumar Anand and welcome you all to 23.5 degrees. This is the first part of the third chapter of class 10th physics, that is electricity. So without wasting time, let's start. देखो, अगर मैं बात करूँ 2750 BC के आसपास के टाइम की, यानी एक्चुअल में मैं लगभग 4.5 से 5 हज़ार साल पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ। फिलहाल हम 2020 AD में जी रहे हैं, ठीक है, यानी आज से मैं 4.5 से 5 हज़ार साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जो भी इजिप्शियन टेक्स्ट हमें मिले हैं वो बताते हैं कि उस वक्त के लोगों को भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक रफ आइडिया था। उन्हें पता था कि इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग दैट कैन गिव यू शॉक। उस वक्त क्या होता था ना कि कुछ बीमारियां थी, कुछ एलिमेंट्स थे, ठीक है, जैसे कि गाउट, जिसे हम गठिया भी कहते हैं, या हेडेक, सरदर्द, इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स के लिए लोगों को सजेस्ट किया जाता था कि वो इलेक्ट्रिक फिश को छुए, टच करें। और आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फिश को जब हम टच करते हैं तो वो शॉक देती है अपने डिफेंस में। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फिश होती क्या है? देखो, एक्चुअल में कोई ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर फिश को हम इलेक्ट्रिक फिश बोलेंगे। जो भी फिश केपेबल है इलेक्ट्रिक शॉक्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम इलेक्ट्रिक फिश कह सकते हैं, ठीक है। तो लोगों को पता था कि कुछ फिशेज हैं जो कि इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस कर सकती है। इलेक्ट्रिक फिश को टच करते ही अपने डिफेंस में, अपने बचाव के लिए, ये इलेक्ट्रिक फिशेज जो थी वो लोगों को शॉक देती थी। और डॉक्टर्स, उस वक्त के जो भी हकीम वगैरह जो भी होंगे, वो ये उम्मीद करते थे कि इस शॉक से जो पेशेंट है उसकी बीमारी दूर हो जाए। अब हम 2750 BC से आ जाते हैं 600 BC के आसपास, यानी 2000 साल आगे। इस वक्त के लोगों को भी एक रफ आइडिया था अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड द अदर वन इज डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जब चार्जेस फ्लो ना कर रही हो। मान लो कि आप दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स को रब करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉम्ब को अपने हेयर्स में रब कर रहे हो या बलून को अपने हेयर्स में रब कर रहे हो, तो वो दोनों ही स्लाइटली चार्ज्ड हो जाते हैं। पर इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा कि वो स्लाइटली चार्ज्ड हो गए हैं? आप देखो, जब आप स्केल को अपने बालों से रब करोगे तो स्केल छोटी छोटी जो पेपर की पीसेज है उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि स्केल जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गया है आफ्टर रबिंग प्रोसेस। ना सिर्फ स्केल, अगर हम स्केल को अपने बालों में रब करें तो हमारे बाल भी चार्ज हो जाते हैं। क्लियर है? तो इस केस में जो चार्ज अक्वायर करती है दोनों बॉडीज, जिन दो बॉडीज को हम रब कर रहे हैं, वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अक्वायर करती है। एक में प्लस नेचर का, पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ जाता है, और दूसरे में नेगेटिव नेचर का। और ये चार्ज मूव नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं इसलिए इसे हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ कोर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम वन बाय वन देखने वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आपका दिमाग नहीं खाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होती है जब चार्जेस फ्लो कर रही हो। इस चैप्टर में हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखो, टिल द ईयर 1772 लोगों को ऐसा लगता था कि जो भी बिजली चमकती है आसमान में, जो भी थंडर्स वो ऑब्जर्व करते हैं इन द स्काई, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इस बात के कोई सबूत नहीं थे, कोई भी अब तक इस बात को प्रूव नहीं कर पाया था। और ऐसा कर पाने वाले पहले इंसान थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इन्होंने इस बात को प्रूव कैसे किया? फेमस काइट एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। इनका काइट एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस हुआ था। और इसमें इन्होंने किया क्या था? देखो, जब कंडीशंस काफ़ी स्टॉर्मी थी, यानी आंधी तूफान चल रही थी, बिजलियां चमक रही थी, ठीक है, पानी बरस रहा था, सब कुछ हो रहा था, तब इन्होंने एक पतंग उड़ाई और पतंग से नज़दीक एक मेटालिक की को बांध दिया। जैसे ही ये पतंग जो है ये बादलों के बीच में गई, तब जो बिजली थी वो इस मेटालिक की से होती हुई, इस थ्रेड से होती हुई, फाइनली बेंजामिन फ्रैंकलिन के हाथों तक पहुंची और इन्हें एक झटका लगा, यानी इलेक्ट्रिक शॉक लगा। और ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ
कि जो भी थंडर्स हम देखते हैं इन द स्काई, जो भी बिजलियाँ चमकती है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना, ये जो बिजली है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन तक पहुँच ही इसलिए पाई क्योंकि ये थ्रेड गीली है, यानी कि वेट है। अगर ये थ्रेड वेट नहीं होती तो ये एज एन इंसुलेटर काम करती, और इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती है। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन को शॉक नहीं लगता उस केस में, क्योंकि ये थ्रेड गीली है इसलिए ही बिजली पहुँच पाई फ्रैंकलिन तक। क्लियर है? देखो, वैसे तो ह्यूमन बीइंग हमेशा से ही काफ़ी क्यूरियस रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, लेकिन जो भी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हुई, जो भी इन्वेंशंस हुए जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड को रिवॉल्यूशनाइज किया, ये सारी चीज़ें 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी टिल द मिड 20th सेंचुरी, यानी कि 1950 तक आप कह सकते हो, इन्हीं 350 ईयर्स के पीरियड में ही सारे के सारे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुए। और इन्हीं डिस्कवरीज और इन्वेंशंस ने इलेक्ट्रिसिटी को वो रूप दिया जिस रूप में हम इलेक्ट्रिसिटी को आज देखते हैं। आज हम देखते हैं अपने चारों तरफ कि कितनी इजीली हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं इन वेरियस काइंड ऑफ प्लांट्स, लाइक थर्मल प्लांट, आप कह लो न्यूक्लियर प्लांट, विंड मिल्स, या फिर आप कह लो सोलर पावर प्लांट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत ही ईजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई इन्हीं 350 सालों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के कारण। ठीक है, इस पीरियड में कई सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, वेरियस तरह की डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशंस हुई, जिनमें कि सभी को मेंशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं फिलहाल सिर्फ 2 साइंटिस्ट्स और उनके कंट्रीब्यूशन को, वो भी थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा। क्लियर है? इनमें से पहले साइंटिस्ट है थॉमस एडिशन और दूसरे साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला। तो स्टार्ट करते हैं थॉमस एडिशन के बारे में। देखो, नॉर्मली जो भी साइंटिस्ट होते हैं ना, वो सिर्फ एक जीनियस माइंड होते हैं, एक इनोवेटिव माइंड होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी तरफ से। लेकिन एक चीज़ जो कि थॉमस एडिशन को बाकी सारे साइंटिस्ट से अलग करती थी, वो ये था कि ये ना सिर्फ इन्वेंट करते थे, चीज़ों को डिस्कवर करते थे, बल्कि ये अपने इन्वेंशंस और डिस्कवरीज से पैसा कमाना भी जानते थे। यानी ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और अपनी इन्वेंशंस को और डिस्कवरीज को किस तरह से कॉमर्शियलाइज करना है और उससे किस तरह से पैसा बनाना है, ये बखूबी जानते थे। कौन? थॉमस एडिसन। ठीक है, वैसे तो इन्होंने अपने लाइफ टाइम में लगभग 1093 पेटेंट्स करवाए, यानी इतनी इन्वेंशंस डिस्कवरीज वगैरह इनके नाम पर थी। इनमें से कई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस इन्होंने खुद अकेले किया और कई जॉइंटली किया, तो इन सभी के बारे में मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, ना ही जरूरी है। तो फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट इनका जो कंट्रीब्यूशन है, अगर वो देखें तो आप फोनोग्राफ कह सकते हो, इलेक्ट्रिक पेन, कॉपिंग सिस्टम, काइनेटोस्कोप, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हो गया, ठीक है, टेलीफोन हो गया, दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। ओके, फिलहाल हम जो इनके एक इन्वेंशन के बारे में बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक बल्ब की। इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्होंने इन्वेंट किया 1879 में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है कि इसी टाइम में एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया, और वो थे जोसेफ स्वान, लेकिन इनके बारे में हम अधिक नहीं सुनते। ठीक है, याद रखना कि थॉमस एडिसन के साथ साथ 1879 में ही एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया, जिनका नाम था जोसेफ स्वान, लेकिन अक्सर हम थॉमस एडिसन का ही नाम सुनते हैं एज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, अब एक बात और, 1879 में इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया, इसका क्या मतलब ये निकलता है कि इससे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ नहीं हो रहे थे? ऐसा नहीं है। देखो, 1879 के पहले भी इलेक्ट्रिक बल्ब तो यूज़ हो रहे थे, लेकिन इससे इस साल के पहले जो भी बल्ब यूज़ हो रहे थे वो इतने इफ़िशियंट नहीं थे। यानी कि थॉमस एडिसन ने इफ़िशियंट इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया। इसके पहले यूज़ में आने वाले बल्ब जो थे वो 15 से 20 मिनट जलते थे, उसके बाद फुस हो जाते थे। ओके, तो 1879 में जो इलेक्ट्रिक बल्ब एडिसन ने इन्वेंट किया वो काफ़ी लंबे टाइम तक चला। अगर आप पूछो तो मैं बता सकता हूँ ये लगभग 13.5 आवर्स तक चला था, जो पहले बल्ब को इन्होंने इन्वेंट किया था इन द ईयर 1879। अब इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए 1882 में, इन द ईयर 1882, न्यूयॉर्क में पहला स्ट्रीट लैम्प लगाया गया। ठीक है, ये याद रखना। और इस स्ट्रीट लैम्प ने किस टाइप के करंट का यूज़ किया? डायरेक्ट करंट का। एक्चुअल में जो एडिसन थे उन्होंने, वो पूरी तरह से डीसी पर इनके इन्वेंशंस बेस्ड होते थे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे जब हम देखेंगे किस तरह से निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन के बीच वार हुआ। तो जो एडिसन थे वो डीसी के साथ थे, जबकि निकोला टेस्ला जो थे वो एसी के साथ थे। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। देखो, आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, हम डायरेक्ट करंट के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एसी इज नॉट इन योर सिलेबस।
देखो, थॉमस एडिसन ने जो भी इलेक्ट्रिकल सेटअप तैयार किया, यानी इनकी जो कंपनी थी वो डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस और ट्रांसमिट करती थी, यानी घर घर तक पहुंचाने का काम वो डायरेक्ट करंट को करती थी। और डायरेक्ट करंट के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो ये कि आप डीसी को ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ट्रांसमिट नहीं कर सकते। सपोज़ कि आप एक ए पॉइंट पर, आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप यहाँ से 2 किलोमीटर से अधिक दूर तक तो इसे ट्रांसमिट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट में लॉसेस बहुत ज़्यादा होती है ट्रांसमिशन प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए एक बहुत ही महान वैज्ञानिक, जो कि मेरे फेवरेट भी है, वो है निकोला टेस्ला, ठीक है। इन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग डीसी करंट, हमें एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट्स को यूज करना चाहिए टू ट्रांसमिट थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। और जब ये आइडिया इन्होंने थॉमस एडिसन को दिया, तो थॉमस एडिसन ने इस आइडिया को पूरी तरह से नकार दिया। देखो, एक रीज़न आप ये मान सकते हो कि एडिसन के उस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टेड थे अपने डीसी करंट की कंपनी, जो भी उन्होंने सेटअप तैयार किया था उस पर, ठीक है। तो और वो अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निकोला टेस्ला के इस आइडिया को, कि हम इंस्टेड ऑफ डीसी एसी यूज करें, इस आइडिया को नकार दिया, ठीक है। बट एसी को यूज करना बहुत ज्यादा फायदेमंद था एक्चुअल में। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इस बात को समझो, मान लो कि आप ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो और हजारों किलोमीटर दूर कोई एक विलेज है बी, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, देखो आप अपने घरों में 220 वोल्ट पर ही इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हो, राइट। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है, तो हम चाहते हैं कि उसका जो वोल्टेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, क्योंकि आप जितने ज़्यादा वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करोगे, लॉसेज उतनी ही कम होगी। और डीसी करंट के साथ प्रॉब्लम ये था कि आप इसके वोल्टेज को रेगुलेट नहीं कर सकते, आप इसके वोल्टेज को घटा बढ़ा नहीं सकते, जो कि एसी करंट ने इस प्रॉब्लम को दूर किया। अल्टरनेटिंग करंट का मान लो, यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर यूज़ कर लिया जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस ट्रांसफार्मर ने अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को बहुत बढ़ा दिया और इस बढ़े हुए वोल्टेज पे लॉसेस काफ़ी कम हुआ, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक पहुँची फाइनली, तो अब एक यहाँ पे एक दूसरा ट्रांसफार्मर था जिसने इस करंट के वोल्टेज को कम कर दिया, और इतना कम कर दिया कि हम इसे यूज़ कर सके, ठीक है। एक्चुअल में ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, मैं आपको क्लास 10th के हिसाब से काफ़ी ईजी वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए अल्टरनेटिंग करंट डीसी से काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे हम वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते थे। जब हमें काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक वोल्टेज को करंट को ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसमिट करना है, तब हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, और जब फाइनली हमको जिस जगह पर यूज़ करना है वहाँ के नज़दीक करंट को हम ट्रांसमिट कर चुके हैं, तब हम उसके वोल्टेज को कम कर देते हैं। एक्चुअल में वोल्टेज बढ़ाने वाले जो हम करंट के वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करके करते हैं। इसके बारे में आपको बाद में पढ़ना है, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। जहाँ अगर हमें वोल्टेज को डाउन करना है अल्टरनेटिंग करंट के, तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एसी करंट ने डीसी करंट के एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और लेकिन देखो, फिर भी एसी करंट के साथ एक चैलेंज, निकोल टेस्ला जो थे वो एसी करंट को ट्रांसमिट करने के पक्ष में थे, वो सपोर्ट कर रहे थे। बट इनके साथ एक प्रॉब्लम था, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज थे, ये एक जीनियस माइंड थे, बट सॉरी थॉमस एडिसन की तरह इनके पास पैसा नहीं था, ठीक है। इनके पास पैसा नहीं था कि ये अपनी आइडियाज़ को कॉमर्शियलाइज कर सके या उसे इम्प्लीमेंट कर सके। इस रीज़न से कुछ टाइम तक तो निकोला टेस्ला जो थे वो अपनी आइडिया पे काम करते रहे, इधर उधर से इंडस्ट्रियलिस्ट से कुछ सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते रहे। आफ्टर सम टाइम फाइनली इन्हें एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट मिला, उन्होंने इन्वेस्ट किया निकोला टेस्ला के आइडिया पर, जो कि अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करने का था, ठीक है। और ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने निकोला टेस्ला के आइडिया पर इन्वेस्ट किया, वो थे जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, क्लियर है। इसके बाद 1888 में इन दोनों ने मिलकर एक 1888 के आसपास इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी इस्टेब्लिश की, और फिर अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करने का काम किया। अब देखो, अच्छी अल्टरनेटिंग करंट काफ़ी सुपीरियर थी डायरेक्ट करंट के मुकाबले, इसलिए फाइनली अल्टरनेटिंग करंट का जीत हुआ, यानी कि निकोल टेस्ला के आइडिया की जीत हुई और थॉमस एडिसन की हार हुई, आप कह सकते हो। तो एसी करंट के यूज़ से इंस्टेड ऑफ डीसी करंट, एसी करंट के यूज़ से हमें फ़ायदा क्या हुआ? देखो, बहुत ईजी है। मान लो ये अमेरिका है, ठीक है, हमें पूरे कंट्री को बिजली पहुंचानी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, तो हमें जहाँ जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, सोचो हर उस जगह पे जहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, वहाँ से 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक पावर प्लांट सेटअप करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट करंट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना चाहे हर जगह पे, तो डायरेक्ट करंट में लॉसेस इतने अधिक होती है कि जहां पर भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर तक ही हम डायरेक्ट करंट को पहुंचा सकते हैं। उसके बाद लॉसेस के कारण ये करंट काफ़ी कम हो जाएगा और यूजफुल नहीं होगा, ठीक
ठीक है, तो इतने एरिया में अगर इतने हर छोटे छोटे एरिया के लिए हमें एक अलग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्लांट को सेटअप करना पड़ रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, लॉसेस काफ़ी अधिक आ रहा था और इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था इस रीज़न से। सोचो कि हर जगह पे जहाँ जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है वहाँ के बिल्कुल नज़दीक आपको एक प्लांट को एस्टैब्लिश करना होगा। ये कितनी कितना मुश्किल बात है, क्योंकि एक प्लांट को एस्टैब्लिश करने में करोड़ों रुपये, एक्चुअल में करोड़ों भी काफ़ी कम है, बहुत पैसा लगता है। अब जैसे ही एसी करंट का कंसेप्ट आया, यानी निकोला टेस्ला को दुनिया ने फॉलो करना शुरू किया, तब क्या हुआ? निकोला टेस्ला के आइडिया के बाद, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को हम हजारों किलोमीटर, यूं कहो कि लाखों किलोमीटर तक भी हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी एप्रिशिएबल लॉस के, इसलिए ये पॉसिबल था कि एक बहुत बड़े एरिया में हम अल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई कर सके सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्शन प्लांट को एस्टैब्लिश करके। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात थी, इसने इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट को भी काफ़ी कम किया, आम आदमी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची, काफ़ी फायदे हुए। क्लियर है? तो ये डिफरेंस था अल्टरनेटिंग करंट के यूज़ में और डायरेक्ट करंट के यूज़ में। और अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करना क्यों इजी है? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को हम बढ़ा और घटा सकते हैं। याद रखना, वोल्टेज को हम अप भी कर सकते हैं और वोल्टेज को डाउन भी कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को अप करने का काम करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को डाउन करने का काम करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है? याद रखना, ट्रांसफार्मर सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को ही अप और डाउन कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट के वोल्टेज को ये अप और डाउन नहीं कर सकते। क्लियर है? ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बाद में पढ़ना है, तो मैंने बस आपको बता दिया ताकि आपको चीज़ों को समझना ज़्यादा ईजी हो जाए और चैप्टर थोड़ा ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाए। चलो आगे देखते हैं। अब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री को बहुत ही ब्रीफ में देखा। मेन चैप्टर अब हमारा स्टार्ट होता है विद द टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश। देखो, हम सभी जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव जिसे हम ऋणात्मक कहते हैं और एक पॉजिटिव जिसे हम धनात्मक कहते हैं। क्लियर है? सेम रिपल्सन होता है, अपोजिट में अट्रैक्शन होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा, यानी ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, वहीं नेगेटिव और नेगेटिव में क्योंकि ये सेम टाइप के चार्ज है इसलिए रिपल्सन होगा, यानी ये प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। सिमिलरली पॉजिटिव और पॉजिटिव भी सेम टाइप के चार्ज है तो इन दोनों में भी रिपल्सन होगा। क्लियर है? ये सब हम जानते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। देखो, चार्ज जब रेस्ट में हो, यानी वो फ्लो ना हो रहा हो, तब हम उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ठीक है, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, यूजुअली देखो जब हम दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स को रब करते हैं, ठीक है, तो दोनों में ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है। कैसे आता है वो हम आगे देखेंगे। जब हम दो इंसुलेटिंग मटेरियल, सपोज एक मटेरियल ए है और एक मटेरियल बी है, दोनों को रब करेंगे एक दूसरे के साथ, तो दोनों में ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा। यानी सपोज कि ए में प्लस टू अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है तो बी में टू ही आएगा, बस अपोजिट नेचर का, यानी माइनस टू चार्ज बी में आ जाएगा। क्लियर है? तो क्योंकि ये चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है इसलिए हम इसे कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब चार्जेस फ्लो करती है तो उसे हम कहते हैं करंट डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, या हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इस चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी जब चार्जेस फ्लो हो रही हो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हम दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स को रब करते हैं। देखो, जब हम दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स को रब करेंगे, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बारे में हम आगे देखेंगे, इसके अलावा हम सेमीकंडक्टर्स का भी इंट्रो थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो मान लो दो इंसुलेटिंग मटेरियल है हमारे पास, एक है अंबर और एक है एनिमल फर। अंबर क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल के लिए मान लो कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल है और ये भी। ठीक है, जब हम दो मटेरियल्स को रब करेंगे तो एक्चुअल में होगा क्या? मान लो मैंने अंबर को उठाया और ऐसे रब कर दिया एनिमल फर में, अब क्या देखने को मिलेगा? जब मैंने इस मटेरियल को इस मटेरियल में रब किया तो इस, मान लो कि ये अंबर का एटम है एक, मैंने इसमें तो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ एटम्स है, ठीक है, अनगिनत एटम है, उसमें से एक एटम को मैं लेता हूँ, ये वाला अंबर का एटम है और ये वाला इस एनिमल फर का एटम है। क्लियर है? एनिमल फर का एटम ये है और अंबर का एटम ये है। जब मैंने अंबर को उठाकर एनिमल फर से रब किया तो इसके ढेर सारे एटम्स और इसके ढेर सारे एटम्स, यानी एनिमल फर और अंबर के एटम्स में बहुत ही क्लोज लेवल पर इंटरेक्शन हुआ व्हाइल द रबिंग प्रोसेस। ठीक है, अब इस क्लोज इंटरेक्शन के कारण होता क्या है? देखो, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को फिर से रिवाइज कर ले तो एटम में क्या होते हैं, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, याद रखना बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, किस नेचर का चार्ज होता है न्यूक्लियस में? पॉजिटिव नेचर का। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स, एक हर दुनिया के हर एटम के न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन मिलेगा और साथ में न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन को तो मारो गोली, क्योंकि न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की, प्रोटॉन में पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है, इसलिए
न्यूक्लियस जो होता है उस पर जो नेट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव नेचर का चार्ज होता है, आप देख सकते हो ई माइनस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं, क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये बात हम जानते हैं, जब अंबर के एटम्स और एनिमल फर के एटम्स में क्लोज इंटरेक्शन होता है तो हो सकता है, बहुत चांसेस है कि किसी एक एटम का जो न्यूक्लियस है उसको इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की कैपेबिलिटी बहुत अधिक हो कंपेयर टू द अदर एटम, कंपेयर टू द एटम ऑफ अदर मटीरियल, ठीक है। मान लो ये जो अंबर होता है ना, अंबर का जो न्यूक्लियस है उसका इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की जो कैपेबिलिटी होती है वो काफ़ी अधिक होती है कंपेयर टू एनिमल फर के न्यूक्लियस की कैपेबिलिटी के। इसलिए जब इनमें क्लोज इंटरेक्शन होगा तो काफ़ी चांस है कि ये इसके भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक दो तीन जो कह लो अट्रैक्ट करके इससे निकाल लेगा, ठीक है। अब मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए इधर जब मैंने रब किया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंबर का जो न्यूक्लियस है उसकी कैपेबिलिटी अधिक है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके यानी कि अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो उसने जब काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन हुआ दोनों मटेरियल्स के एटम में तो उसने एनिमल फर के एटम से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, चोरी कर लिए मान सकते हो। अब दुनिया का हर एटम न्यूट्रल होता है अनटिल एंड अनलेस वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या एक्सेप्ट करे। अगर न्यूट्रल क्यों होता है, एक एटम न्यूट्रल क्यों होता है ये समझो। एक एटम न्यूट्रल इसलिए होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में होते हैं वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो कि चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो इक्वल होता है एक एटम में, क्लियर है। अब क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो सेम होते हैं, बस अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव नेचर का चार्ज होता है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों पे ही 1.6 मल्टीप्लाइड बाय, नीचे लिख देता हूँ, 10^-19 कूलम इतना चार्ज होता है। 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10^-19 कूलम इतना चार्ज होता है प्रोटॉन पर भी और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इतना चार्ज होता है प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पे। बस प्रोटॉन पे ये चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज जो है वो निगेटिव होता है, यानी -1.6×10^-19 कूलम, क्लियर है। अब क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है इसलिए दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। अब मान लो कि जब अंबर के एटम ने एनिमल फर के एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है, तो इसमें ये भी न्यूट्रल था एज अ होल। अगर आप देखो तो ये एटम भी न्यूट्रल है, क्यों? क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे प्रोटॉन जो कि पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल था अब इलेक्ट्रॉन से एक अधिक हो गया है नंबर में, यानी कि इस पर एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है तो पॉजिटिव नेचर का चार्ज निगेटिव नेचर के चार्ज से एक अधिक हो गया है, ठीक है, आफ्टर डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो, या दूसरे वर्ड्स में कहो तो अंबर ने जब इससे एक इलेक्ट्रॉन चुराया तब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस वन क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। और अंबर जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, पहले इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल थे नंबर ऑफ प्रोटॉन के, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक अधिक है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव नेचर का चार्ज होता है, तो मान लो कि इसने -1 चार्ज एक्वायर किया, ठीक है। तो देखो अंबर जो है वो निगेटिवली चार्ज हो गया, क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन चुराया और एनिमल फर के एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इसमें नेट जो है वो पॉजिटिव नेचर का चार्ज अधिक है कंपेयर टू द निगेटिव नेचर चार्ज आफ्टर इट डोनेटेड वन इलेक्ट्रॉन टू अंबर, डोनेटेड या अब इसको देना पड़ा क्योंकि अब देखो इलेक्ट्रॉन जो अंबर के एटम ने इससे निकाला इसे आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अंबर के एटम की अधिक है, यानी न्यूक्लियस जो है उसका इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार वो अधिक है अंबर के एटम में, वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकता है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी अधिक है अंबर के एटम में, क्लियर है। तो इस तरह से दोनों ही मटेरियल में इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो गया। अब मान लो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकलते एक की जगह तो यहाँ पे हमारे पास -2 चार्ज हो जाता और क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए यहाँ पे +2 चार्ज हो जाता। यानी कि देखो जब दो मटेरियल को हम रब करते हैं तो होता क्या है कि दोनों ही मटेरियल्स में इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज डेवलप हो जाते हैं। एक बात याद रखना, हमने ना ही चार्ज को बनाया है ना ही खत्म किया है, ठीक है, चार्ज को ना ही हमने क्रिएट किया है ना ही डिस्ट्रॉय किया है, चार्ज तो बस ट्रांसफर हुआ है, क्लियर है। यहाँ से कुछ चार्ज इधर चला गया तो जिस नेचर का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज कुछ अधिक हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। चार्ज को ना ही हमने क्रिएट किया ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया, सिर्फ हमने चार्ज को ट्रांसफर किया बाय रबिंग प्रोसेस। अब ऐसा देखो जब आप दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स को रब करोगे तभी आपको ये जो फेनोमेना है ये देखने को मिलेगा कि दोनों मटेरियल्स में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप दो कंडक्टिंग मटेरियल्स को रब करोगे तो आपको ये फेनोमेना नॉर्मली नहीं देखने को मिलेगा,
ठीक है, ऐसा क्यों होगा वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, क्लियर है। अब इसका एग्जांपल, रबिंग प्रोसेस का सिर्फ ये एग्जांपल नहीं है कि अंबर को एनिमल फर में रब किया तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। आप कोई भी दो इंसुलेटिंग मटेरियल लो ना, जैसे कि मान लो आपने जो प्लास्टिक की आपकी स्केल होती है उसको अपने बाल पर रब करो, ठीक ना, तो देखो कि दोनों ही इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन लेगा। एक्चुअल में जब आप प्लास्टिक के स्केल को अपने बाल में रब करते हो तो जो आपके हेयर्स है वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और जो स्केल है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। उसके बाद स्केल जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है और वो छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर आप कह सकते हो उसे अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है, इसी रीजन से। सिमिलरली बलून को भी अगर आप अपने बालों में रगड़ोगे उसके बाद फिर उसे आप दीवार पे चिपका सकते हो या वो भी छोटी छोटी पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है, लीफ की पीसेस को या आप कह सकते हो पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ व्हाट इज अंबर? देखो हम जानते हैं कि कोल कह लो या पेट्रोलियम कह लो, ठीक है, पेट्रोलियम, ये सभी फॉसिलाइज्ड मटेरियल्स हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ इयर्स में जो डेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स थे उनका फॉसिलाइजेशन हुआ, तब जा करके हम जो आज कोल और पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं वो हमें मिला, ये इस रूप में आए, क्लियर है। इन द सेम वे अंबर भी एक फॉसिलाइज्ड मटेरियल ही होता है, लेकिन ये किस चीज़ के फॉसिलाइजेशन से बनता है? एक्चुअल में जो ट्रीज होती है, कुछ ट्रीज होते हैं, प्लांट होते हैं, इनसे एक तरह का सैप रिसता रहता है, सैप यानी कि जो इनका रस होता है वो रिसता रहता है, ये सीप करता रहता है, ठीक है। और जब ये रीस करके नीचे गिर रहा होता है इन पेड़ पौधों से, उस वक्त काफ़ी चांसेस होती है कि कुछ इंसेक्ट, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, कुछ इंसेक्ट, कीड़े मकौड़े या फिर लीफ या कुछ और इसमें इंट्रैप हो जाए, और फिर फाइनली जब ये ज़मीन पर गिरे और अगर फेवरेबल कंडीशंस मीट हो, यानी कि ये कई सारी चीज़ों से ढक जाए जैसे मिट्टी वगैरह, तो फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये फॉसिलाइजेशन के बाद कुछ इस तरह का दिखने लगता है। ये एक्चुअल में मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये पेड़ पौधे से गिरता हुआ एक रस था जिसमें कोई इंसेक्ट फंस गया, फिर ये मिट्टी के नीचे किसी रीज़न से दब गया, अगर वैसी कंडीशंस मीट हुई, ये मिट्टी के नीचे दब गया यानी कि बाहर के एटमोसफियर से कॉन्टैक्ट इसका टूट गया, और फिर इन मिलियन ऑफ ईयर्स इसका फॉसिलाइजेशन के बाद फाइनली ये कुछ इस तरह का दिखने लगा। अंबर जो होता है ये एक तरह का जेम स्टोन होता है, यानी एक बहुमूल्य रत्न होता है, एक प्रीशियस स्टोन होता है, यानी आज जो भी हम अंबर देख रहे हैं ये एक्चुअल में फॉसिलाइजेशन से बना है, ट्री के सैप के, यानी पेड़ के रस के फॉसिलाइजेशन से बना है। और एक ट्री जो अंबर का बहुत बड़ा सोर्स है वो है पाइन ट्री, याद रखना, जिसे हम हिंदी में देवदार कहते हैं, पाइन ट्री को हम हिंदी में देवदार कहते हैं, क्लियर है। और जिस रीजन में अंबर सबसे अधिक मिलता है वो है रशिया, रशिया में अंबर काफ़ी अधिक मिलता है कंपेयर टू द अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस वॉज द एंड, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप अ डिस्टेंस। जय हिंद।